हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं PR के अनबॉक्सिंग। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं स्नेक ऑफ इंडिया बुक। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो शेयर कर देना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम इस बॉक्स के पीछे कुछ देखते हैं। तो उसमें एड्रेस लिखा और कुछ नहीं, और इसकी चलिए हम जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। कुछ हमें इस तरह की बुक देखने को मिल जाती है। अगर ये बुक आपको पसंद आए तो इस बुक को मैं बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और इस बुक के ऊपर की और पीछे की कुछ देखते हैं। इसके MRP मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें MRP 1399 की दी गई, पर मुझे 1200 1199 में पड़ी। अगर और बुक की क्वालिटी देखें तो बुक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप लोग बाय से कर सको। अगर आपको सांपों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो ये स्नेक ऑफ इंडिया बुक परचेस कर सकते हो। और इसमें बता दूं, हिंदी लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश में आती है। बाकी पहला खूब पन्ना खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। बाकी इसमें कौन से सांप कितने क्या होते हैं बाकी लिखा गया है। बाकी अंदर इसके जहाँ से चैप्टर देख के कितने पेज नंबर व कितना नंबर का पेज है वो देख के आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं कुछ जल्दी जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह के पेजेस आते हैं और पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको बुक लेना हो तो आप बिना हिचकिचाए ले सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस है अंदर। और यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगा, रीमेर जी सांप का नाम है सुमन स्नेक, और ये नॉन वेनमस लिखा मतलब बिना जहर वाला होता है। और इसमें हरे कलर का ग्रीन पट हरा पट्टा दिया हुआ है, इसका मतलब नॉन वेनमस, इसे बीच में बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने ही पेज पलट रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आपको नक्शा भी मिल जाता है जहाँ जहाँ पे स्नेक पाए जाते हैं और जहाँ पे नहीं होते हैं वहाँ पे नहीं बताया गया है। बाकी इंग्लिश में आप इसकी सारी डिटेल आप हर पेजेस पे पढ़ सकते हो। चलिए मैं जल्दी से आपको खोल के आगे दिखा देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो ताकि ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, ऑर्जेंट फेस ने स्नेक लिखा और मल्टी फेनेमस मतलब इसका मतलब हल्का जहरीला होता है ऑरेंज कलर में। और आप लोगों को मैं बताता हूँ, कॉमन क्रैथ जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे खतरनाक सांप होता है, इसको दूसरे नाम साइलेंट किलर्स के नाम से जानते हैं। और इसका नाम हिंदी नेम है इस कॉमन क्रैथ, जो कि सबसे खतरनाक सांप माना जाता है। अगर आप और ये देख लीजिए, रेड कलर का है कॉमन क्रैथ और पट्टी रेड दी है। वेनेमस इसमें बहुत जहर होता है, इसमें तो आप पीछे भी देख सकते हो, रेड वाला सबसे खतरनाक जहरीला होता है। मगर इंडिया का सबसे खतरनाक सांप यही है कॉमन क्रैथ, वो ये रात को ही निकलता है। तो इसकी पेजेस की बात करके पेज कितने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, पेज कितने हैं इसके, 372 पेज आते हैं। बाकी कुछ अलग सी डिटेल दी गए, ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खोलूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो की लाइक करना, इसी तरह के वीडियो को देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।